दोस्तों शादी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मैरिज सर्टिफिकेट या फोर बोल दो मैरिज रजिस्ट्रेशन। बट इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि हम जब किसी को भी पूछेंगे तो वो यही बोलता है कि ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन हो गया, बट ऑनलाइन कैसे हो गया, इसका प्रोसेस क्या है, किस ढंग से अप्लाई करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रोसेस जो है मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी स्टेट का भी अलग होगा मतलब वेबसाइट, लेकिन प्रोसेस यही होता है हर स्टेट का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन और फर्स्ट लिंक सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। यहाँ पे आपको सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में सेलेक्ट करने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट, और हेल्थ डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लास्ट टैब होगा जो है मैरिज रजिस्ट्रेशन का, उसको सेलेक्ट करना है। वो टैब को क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई हियर का एक लिंक दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है तो वो एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म में आपको आपके मैरिज डिटेल्स फिलअप करने होते हैं, हस्बैंड की डिटेल्स फिलअप करने होंगे, वाइफ के डिटेल फिलअप करने होंगे, उसके बाद आपके विटनेस के डिटेल्स आएंगे और उसके बाद प्रीस्ट के। तो ये पांच चीज डिटेल्स आपको फिलअप करने इस फॉर्म में, और उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इस फॉर्म को इसका आपको पेमेंट करना होगा जो 15 रुपया है, 15 रुपीज आपको पेमेंट करने होंगे। और पेमेंट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट आएगी, रिसिप्ट में आपको अपॉइंटमेंट डेट दिया होगा, उस अपॉइंटमेंट डेट को जाके आपको ये आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, और आपको सारे आपके जितने विटनेस है आपके साथ होने चाहिए उस समय, और जितने भी विटनेस है वहां पे उनको मैरिज रजिस्ट्रार के सामने उनको साइन करना होगा और उनके फोटोग्राफ्स लगेंगे उस फॉर्म पे। बस आपका प्रोसेस होगा पूरा कंप्लीट। जो लोग मुस्लिम है उनके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि जो आपका जो निकाह नामा होता है वो उर्दू में अगर है तो आपको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, और वही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स। तो आपकी तरफ से हो गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट, बस अब इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो होंगे उन पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपका स्टेटस हो जाएगा अप्रूव्ड। और उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पे वापस से जाना है और पेमेंट करना है। यहाँ पे पेमेंट करने के टाइम ये लिंक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको 150 रुपीज पेमेंट होगा आपके फ्रेश मैरिज सर्टिफिकेट का। अगर आपने डिले कर दिया है, अगर आपकी शादी 2016 में हुई है और आपने 18 में बना रहे हो, तो आपको लेट फी पे करना पड़ेगा जो अराउंड 200 से 500 रुपीज के आसपास है। तो आप उसमें जब आप पेमेंट करोगे तो आपको क्लियरली वो मेंशन होगा कि लेट फी अमाउंट इतना है, उतना आपको पेमेंट करना होगा। बस पेमेंट होने के बाद आपको ईमेल आ चुका रहेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद वापस से जाइए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में। वहां पे से आपको फोटोग्राफ्स लगाने होंगे उस सर्टिफिकेट पे और स्टैम्प लेना पड़ेगा, तो वो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट हो गया रेडी और ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंकरेजमेंट मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं वो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हैप्पी गाइड फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, तो बेफिक्र रहिए उसके लिए। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय। बाकी सब ललन टॉप।